अब जाके इनमें जाना है। फूल अच्छे नहीं लगे रानी सर। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है हुकुम। ये पाप है बिजली, ध्रुव के बारे में सोचना बंद कर। तेरे सामने तेरे साथ तेरे पति है, उनकी छुआन में उसी सुकून को ढूंढने की कोशिश कर बिजली। से सुनो तारा, ये जो तुम्हारे सीने में धड़क रही है ना, वो हमारे प्यार की धड़कन है। महसूस करो, क्षमा हुकुम। हमने किसी विधि असहज कर दिया आपको? ना ना हुकुम, इसमें आपकी कोई गलती ना है। वो शायद हमारा मन अभी पक्का नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बुरा नहीं लग रहा, परंतु हम समझते हैं। आश्वस्त रहिए आप रानी साहब, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जब तक आपका मन पूरी तरह पक्का ना हो जाए, हम प्रतीक्षा करेंगे, आजीवन प्रतीक्षा करेंगे उस पल की। परंतु आपका मन पक्का हो या ना हो, एक बात पत्थर की लकीर सी पक्की है, आप हमारी हैं, केवल हमारी। हुकुमसा की जय हो। हुकुम, आपने जो शरबत मंगवाया था, आज रानी सा के साथ हमारे प्रेम मिलन को संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी देर है, महक उठेगी हमारे प्रेम से। शरबत पी लीजिए, आपके मन मस्तिष्क को ठंडक मिलेगी। नहीं हुकुम, मैं ठीक हूं। ठीक तो आप है नहीं, या फिर शायद हमारे छुअन से इतना परहेज है कि हमने इस पात्र को क्या छू लिया, आप इससे शरबत भी नहीं पियेंगी। ना ना हुकुम, ऐसी कोई बात नहीं। रानी साहब, हमने आपकी बात मानकर आपका सम्मान किया, आप हमारे मान के लिए शरबत भी नहीं पी सकती। आपको इतनी खुशी मिलेगी इससे तो पी लेती हूं। विश्राम कर लीजिए आप। हुकुम, एक
बात पूछूं? अवश्य। आपने ये जो मंगलसूत्र पहनाया है, ये अधूरा क्यों है? चुभ रहा है। आदत हो जाएगी रानी सा, फिर नहीं चुभेगा। क्षमा हुकुम, मैं रही होंगी काना भक्त। चिंता ना करें, बहुत जल्द आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आपने ये वस्तु है, ये आभूषण जो हमारे को दिए, को कुछ याद नहीं। इन सब वस्तुओं से हमारे दिल में कोई हुरूर रहिया भी ना हुई, ही कोई जुड़ाव महसूस हुआ। क्षमा, लेकिन ये वस्तु ये उड़ने से अवश्य कोई ना कोई जुड़ाव रहा होगा हमारा हुकुम। आप मारे को इसके बारे में बताइए। क्या कर दें ऐसा कि आपको हमारी बातों पे भरोसा हो जाए, आप उन्हें सच मानने लगे? पता नहीं क्यों इसे छूती हो तो अजीब सा लगाव, अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, जो उनमें से किसी वस्तु के साथ ना हुआ। ऐसा लगता है जैसे जैसे इससे मारा कोई बहुत गहरा, कोई बहुत खास रिश्ता रहा हो। घूम फिर के इनका हृदय ध्रुव के साथ जुड़ी यादों पर ही वापस जाता है। हमें ध्रुव को इनके मन, मस्तिष्क और जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। पल्लवगढ़ से है ये उड़नी, संभवतः इसीलिए आपको लगाव की अनुभूति होती है। हम सैनिक भेजकर आपके बाकी के वस्त्र, आभूषण और चीजें पल्लवगढ़ से मंगवा लेंगे। हो सकता है उन्हें देखकर आपको कुछ याद आ जाए, हो सकता है उनके साथ भी आपको लगाव महसूस हो। सुनो बंधु, हुकुम से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। देखो हमारा ना बहुत बहुत बड़ा काम ना अटका हुआ है, तो आप अगर हमें हुकुम से मिलवा देंगे ना तो हमारा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। देखो ना मत कहना। हुकुम निजी कार्य में व्यस्त है, वो ऐसे ही कभी किसी से नहीं मिल सकते। अरे आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादा समय खो नहीं देंगे आपका। बस देखिए, ये आपके बाल बच्चों के लिए, हम अपना काम पक्का समझे ना। अब हुकुम अपने परिवार के साथ गांव वाले कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं, जाओ वहां जाके देख लो, अगर मिल जाए तो तुम्हारा भाग्य। शुक्रिया शुक्रिया। सच कहें रानी सा, ये उड़नी हमने आपको उपहार स्वरूप दी थी, हमारे प्रेम का प्रतीक।
लाइए, हम उड़ा देते हैं। क्षमा रानी सर, गलती से स्याही लग गई ओढ़नी पे। आप मन छोटा ना करें, हम आपके लिए इससे भी सुंदर नई ओढ़नी बनवा देंगे। आप बस तैयार हो जाइए। याद है हमने कहा था गांव में स्थित देवी माँ के मंदिर जाना है, जहां पत्नी जब पूरे मन श्रद्धा और भाव से अपने पति के लिए प्रार्थना करे, प्रसाद चढ़ाए, तो सौभाग्य प्राप्त होता है जोड़ी को। आज आप भी हमारे लिए प्रसाद चढ़ाएंगी, चढ़ाएंगी ना? तुम जा तो रहे हो मंदिर तारा के साथ, पर वहां से तारा अपने ध्रुव के साथ हो जाएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।